कैसा है? वैसे पिज्जा के प्राइस यार थोड़े ज्यादा ही रहते हैं डोमिनोज के, डोमिनोज से कंपेयर करें तो, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी शांति मिलेगी हमेशा, ज्यादा आपको वेटिंग करनी नहीं पड़ेगी। और ये है आपका नॉन वेज, सोयाबीन की बड़ी जैसी 5 लगा रही है बस नॉन वेज के नाम पे, बट वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा मुझे लगता है, 100 रुपए बच भी जाएंगे। ये मेरा फाइनल रिव्यू था। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका Y&M फूडी में, और आज काफी टाइम बाद मैं और मुकेश दोनों एक ही वीडियो में एक साथ आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं, मुकेश बता फिर आज की वीडियो के बारे में कुछ, क्या इंटरेस्टिंग होने वाला आज की वीडियो। भाई हमारे जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है ना भाई, इतने भोले नहीं है जो उनको थंबनेल देख के समझ में ना आए कि किस चीज के ऊपर आज वीडियो होने वाला है, क्योंकि यार बहुत ही अटपटी सी चीज है, एक मोमोज और पिज्जा का कॉम्बिनेशन, मतलब ये एक साथ बेच रहे हैं हमको पिज्जा हट वाले। और यार जो मोमोज है वो खाया जाता है एकदम तीखी चटनी के साथ, और हम पिज्जा वगैरह जो खाते हैं हम केचप के साथ खाते हैं, तो बिल्कुल ही अलग चीज है। तो देखते हैं, ट्राई कर, मेरे को बहुत मन था इसको ट्राई करने का, क्योंकि बहुत ही अलग चीज़ है, दोनों को खाया भी अलग तरीके से जाता है, टेस्ट तो भी अलग होता है। ये हम फूडी हैं तो हमारा काम ही यही है, अटपटी चीजों को खाना ट्राई करना, बताना आपको की। और हाँ भाई एक बात है, कमेंट करके ये मत बोलना कि इसकी रेसिपी बता दो भाई, रेसिपी किसी को भी नहीं पता, ये रिव्यू वीडियो है। देखते हैं कि कैसा इसका टेस्ट होने वाला है। और अभी तो भाई टेबल खा लिया, कहाँ पिज्जा अभी जा रहे हैं लेके आते हैं, अभी लेकर आते हैं पिज्जा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और यार एक रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे आप रेसिपी वीडियो को प्यार देते हो, इसको भी प्लीज वैसे ही प्यार देना और सपोर्ट करना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के चलते हैं पिज्जा लेने, और फिर चलो। तो भाई फाइनली हम पिज्जा हट में आ चुके हैं। तो युवराज पहले तो बता भाई प्राइस क्या मिल रहा है हमको। प्राइस ये देख लो, यहाँ पे ये है मोमो, इसका नाम बता देता हूँ पहले, नाम क्या है इसका, मोमो मिया पिज्जा वेज। ये स्मॉल है 269 का और मीडियम है 449 का, और फिर इसमें है मोमो मिया पिज्जा नॉन वेज, ये 299 स्मॉल है और 499 का मीडियम है। और प्राइस के हिसाब से कैसा लग रहा है? तो प्राइस के हिसाब से मेरे को अब खाने के बाद पता चलेगा इसका प्राइस कैसा है। वैसे पिज्जा के प्राइस यार थोड़े ज्यादा ही रहते हैं डोमिनोज के, डोमिनोज से कंपेयर करें तो, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी शांति मिलेगी हमेशा, ज्यादा आपको वेटिंग करनी नहीं पड़ेगी। बाकी टेस्ट देखते हैं, एक बार रेडी होकर आ जाए घर ले जाएंगे, फिर पूरा रिव्यू करके बताएंगे और ऑनेस्ट रिव्यू देंगे जो भी होगा। ये भी है भाई, ये भी ट्राई करेंगे बाद में। अगर आपने इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस दिया हमें, अच्छा हमें आपका कमेंट्स वगैरह अच्छा आए, तो इसका भी रिव्यू करेंगे दोबारा। इसका नाम बता दें एक बार, इसका नाम क्या है? ये बेक चीजी मोमो मील, ठीक है ये ट्राई करेंगे। ये मोमो है, बेक वाले मोमोज होंगे और पूरा चीज में होंगे अच्छे से लिपटे हुए। तो भाई कितना टाइम लगेगा इसको? अभी बोला है इन्होंने 15 से 20 मिनट, बोला है कि 15 से 20 मिनट में करेंगे, बाकी आप फूड ब्लॉगर हो, कोशिश करते हैं और जल्दी करते हैं। ठीक है, तो भाई ये देख लो मेरे पिज्जा आ चुके हैं, मोमो मिया पिज्जा, ये नॉन वेज है और ये वाला वेज है, और इसके साथ इन्होंने एक इनकी स्पेशल चटनी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही ट्राई विद मोमो डिप, ये भी हमने लिया। तो चलिए अब फटाफट से घर चलते हैं, वहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, टेस्ट देखते हैं टेस्ट किसका कैसा होता है। तो चलिए फिर, तो लो भाई हम घर पहुंच गए और पिज्जा हमारे सामने यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने वेज पिज्जा लिया है, नॉन वेज में नहीं खाऊंगा, तो मुकेश आपको नॉन वेज खा के बताएगा यार उसका रिव्यू। तो मतलब रिव्यू दोनों के बता देंगे आज, वेज भी और नॉन वेज में। और तो साथ में एक ये डिप भी लिया जो इसके साथ इन्होंने बोली थी, सजेस्ट करी थी, तो और भाई अलग से लेनी पड़ रही है। ये देखो मेरे को यार, ये पिज्जा वाले ये जितने बड़े बड़े ब्रांड होते हैं इनके पास, मुझे एक यही चीज पसंद नहीं आती कि मोमोज के, अगर इनके अलग से मोमोज भी निकाले ना उन्होंने, तो भाई मोमोज अलग खरीदो, डिप अलग खरीदो, यार एक पूरा कॉम्बो बना दो ना, चाहे आप रेट बेचते हैं रेट उतना ही बढ़ा के दे दो ना। हाँ। 21 रुपए बढ़ा के बनाओ पूरा, इसके लिए अलग से 21 रुपए दिए, और बाकी कह रहे थे हम पिज्जा में भी थोड़ी सी लगा के दे देंगे, तो ये चीज मेरे को पसंद से नहीं आई। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग खोल के देखते हैं देर के, और फिर आपको बताते हैं। चल तो भाई दोनों की अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बताता हूँ। ये पहले मैं युवराज का वेज वाला खोलता हूँ भाई। ये देखो भाई शेप, देखो शेप कितनी मस्त और जबरदस्त है, दिखने में तो यार काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और जो इसके शेप है ना, वेज वाली पूरी दे रही है, जैसे आप बाहर जाएंगे तो वेज अलग होता है, नॉन वेज अलग होता है शेप में भी। पहले मुझे लगा था इसकी सिर्फ शेप है, बट ये असली के मोमोज है, इसके अंदर रियल मोमोज है, बिल्कुल रियल है। स्टफिंग इसकी बाद में देखेंगे, जो ये मोमोज है ना, इसकी स्टफिंग बाद में देखेंगे कि मोमोज के अंदर इन्होंने क्या स्टफिंग करी हुई है। और ऊपर से टॉपिंग बता दे मुकेश, टॉपिंग में दिख ही रहा होगा यार, ये देखो ये इसमें कैप्सिकम है, कॉर्न है और अनियन है। तो ये हो गया आपका वेज का, और यहाँ पे चटनी डाली हुई है थोड़ी सी, बिल्कुल ही मतलब क्या ही बोलूँ अब तो मैं, छोड़ो यार। चलिए नॉन वेज की तरफ चलते हैं, इसको बंद करते हैं थोड़ा सा। और यार हम अभी ऊपर फ्लोर में टॉप में बना रहे हैं, छत पे खुले में, तो यार इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपको लाइटिंग का इशू हो। और ये है आपका नॉन वेज, सोयाबीन की बड़ी जैसी 5 लगा रही है बस नॉन वेज के नाम पे, बट लेकिन देखेंगे कि मोमोज के अंदर नॉन वेज की स्टफिंग अच्छी तरह है या नहीं है। और बाकी जो टॉपिंग है सेम युवराज, ये वही वाली टॉपिंग है जो इसमें थी, कैप्सिकम कॉर्न और आपका अनियन। तो भाई स्टफिंग देख लेते हैं, सबसे पहले मैं नॉन वेज की आपको स्टफिंग दिखा देता हूँ खोल के। अब ये है भाई स्टफिंग, स्टफिंग आप देखिए किस तरीके की है, यहाँ वाले में ज़्यादा आ गया, ठीक है
ये देखिए बिल्कुल नॉनवेज है अंदर, तो नॉनवेज वाले में तो पूरा नॉनवेज भरा हुआ है मोमोज के भी अंदर। तो आपको एक बार स्टफिंग दिखा देता हूँ वेज पिज्जा की, जो इसमें मोमो लगा हुआ है इसकी स्टफिंग क्या है ये देख लो यहाँ पर, ये आपको दिखा होगा एक बार अच्छे से। इसकी स्लाइस को मैं तोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शायद से इनका यही कैबेज वगैरह अनियन वगैरह है, उसकी स्टफिंग इन्होंने इसके अंदर डाली है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं कि कैसा हो रहा है, इसका ओवरऑल कॉम्बो कैसा है ये पिज्जा के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसको खा के देखते हैं और आपको बताते हैं कैसा हो रहा है ये टेस्ट में। पहले भाई चटनी थोड़ी अलग कर लेता हूँ, क्योंकि ये आज नॉनवेज नहीं खा रहा, मैं खा रहा हूँ तो मैं आधा इधर कर लेता हूँ। ये वो वाली डीप है जो हमने अलग से लिए, कितने की थी ये, 20-21 रुपए की थी ना? 21। हाँ 21 रुपए की थी। ठीक है भाई, देखो चटनी भी ये लोग ना अलग से बेचते हैं, मतलब क्या ही बोलते हैं। ये चीज मेरे को बहुत गलत लगी ब्रांड की, कि जो आप दे रहे हो उसके साथ डिप भी उसी के साथ दो, चाहे आप एक्स्ट्रा कॉस्ट कर दो उसी में इंक्लूड कर दो सारी चीजें। डिप अलग से खा रहा हूं, तो मतलब नॉर्मली लग रही है। बाद में वो लोग मांगते हैं ना 20-25 रुपए एक्स्ट्रा की डिप के, इतने एक्स्ट्रा है वो दीजिए, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। खा के देखें? हाँ तो बिल्कुल यार खा के देखते हैं। चल भाई ये लीजिए, ये लगाए डिप में और थोड़ा सा और खा के देखते हैं। क्योंकि अभी जो फील आया वो मेरे को सिर्फ मोमोज का है, तेरे को सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, अभी जो फील आया पूरा मोमोज का है, पिज्जा का अभी तक नहीं आया। तो इसको यार युवराज कैसे ट्राई करें, क्योंकि जो मोमोज वाला पार्ट है अगर मैं उसी को निकाल के खा रहा हूँ तो मोमोज का ही आ रहा है। यार बहुत ही अटपटी सी चीज है। मैं ये जो डो होता है पिज्जा का वो मैदे का होता है, और जो ये है मोमो है, ये भी आपको पता है जो इसकी बाहर की लेयर होती है मोमो की होती है, अंदर उन्होंने थोड़ी सी वेजीज वगैरह डाली हुई है, बीच में टॉपिंग करी हुई है, ऐसे ट्राई हुई है, ऐसे ट्राई करके देखता हूँ। तो वेजीज वगैरह से ज्यादा टेस्ट जो है ना मैदा का आ रहा है। नीचे पिज्जा, ऊपर मैंने अपना मोमोज लगा दिया, अब दोनों को साथ में ट्राई करता हूँ, क्योंकि जब साथ में बेच रहे हैं तो खाते भी साथ में। लेकिन हाँ जो इनकी शेजवान की चटनी है ये टेस्ट ये इसके साथ अच्छा लग रहा है। तो एक चीज और दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे इन्होंने बीच में ये मोमो लगा रखा है, तो ये देख लो जो इसकी कवरिंग इन्होंने करी है, ये पूरा मैदा है यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये मोमो बीच में लगा रखा है, ये पूरा मैदा है ना, यहाँ पे कोई इन्होंने जो ऊपर चटनी वगैरह लगाते हैं वो कुछ नहीं है, और वेजीज वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ये बीच बीच में यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी वेजीज डाली हुई है, कॉर्नर में 4 मोमोज लगा रखे हैं। और ये मोटा भी है भाई, और ये देख लो कितना मोटा है, ये चीज आपको दिख रही होगी कितना मोटा है। तो ये चीज ऑर्डर करने से पहले ध्यान रखना, बाकी फाइनल रिव्यू पूरा खा लेते हैं इसको, उसके बाद आपको देते हैं। तो भाई हमारा मोमो मिया पिज्जा, जो पिज्जा और मोमो दोनों ही का ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, दिख रहा होगा आपको। तो मुकेश तुझे क्या लगता है, तेरा क्या फाइनल रिव्यू है इसके ऊपर भाई, प्राइस वाइज टेस्ट वाइज सब, मतलब प्राइस के हिसाब से टेस्ट के हिसाब से टोटल क्या लगता है तेरे को फाइनल? तो यार अगर मेरे से पूछ रहा है ये, तो भाई प्राइस के हिसाब से यार मेरे को टेस्ट उतना भी सही नहीं लगा, जैसे इसको चटनी पसंद आ रही है मुझे वो नॉर्मल लग रही है। देखिए परसेंट टू परसेंट होता है सब, चटनी का टेस्ट तो मैं आपको बता दूं, जो शेजवान शेजवान हाँ जो नॉर्मल शेजवान चटनी होती है ना वो ही लग रहा है, मुझे नॉर्मल लगती है, मुझे लगा था जैसे अपनी स्पेशल बनाते हैं ना कुछ स्पाइसी होगी, इतनी स्पाइसी तो है नहीं, नहीं ऐसे ही नॉर्मल शेजवान चटनी जो आपको मार्केट में मिल जाएगी पाउच वाली 10 वाली वैसी ही है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे 300 रुपए का मेरा नॉनवेज पिज्जा है, तो जो साइज है वो रेगुलर है, बहुत छोटा सा है, साइज रेगुलर था यार, ना मीडियम था ना लार्ज था, छोटा सा सबसे छोटा वाला सॉरी। और उसके ऊपर 4 मोमोज रखे हुए थे, तो भाई मैं तो ये सजेस्ट करूंगा इन्हीं का पिज्जा ले लो बेशक से सस्ता वाला, और मोमोज बाहर से ले लो, क्योंकि मोमोज ऐसे कोई खास नहीं थे जैसे नॉर्मल मिलता है ना मार्केट में, वैसे वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा, मुझे लगता है 100 रुपए बच भी जाएंगे। ये मेरा फाइनल रिव्यू था, मतलब एक बार ट्राई कर सकते हैं, 10 में से 7 दूंगा। तू बता भाई, तूने भी तो खाया है। यार मेरे को तो यही लगा कि मार्केट में देखो थोड़ी अटपटी चीज आई है, ट्राई करना चाहिए, पिज्जा और मोमो का कॉम्बो है ये, तो ट्राई करना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है फिर टेस्ट की और प्राइस की, प्राइस यार 250-300 रुपए इसको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन हाँ ये चीज है कि थोड़ा अलग चीज है, तो ट्राई आप कर सकते हो, टेस्ट खाने में बुरा भी नहीं है, अच्छा भी है, ओके टेस्ट है, ट्राई आप कर सकते हो। लेकिन ये वो वाली चीज है जिसको हम रिपीट करते हैं दोबारा, कि यार अच्छा लगा खाने में चलिए रिपीट करते हैं, बस ये एक्सपेरिमेंट करा था पिज्जा हट ने, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। बाकी आप लोग जब इसे ट्राई करोगे तो हमें बताना कमेंट्स में कि आपको खा के कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, और खाया है पहले से तो भी बता दो। हाँ खाया है पहले से तो भी बता दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, जो आपके फूडी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना। और यार कुछ नया ट्राई करा था, हाँ भाई जाने से पहले एक चीज बोल देते, कुछ नई चीज हम ट्राई कर रहे हैं, प्लीज इस पर भी सपोर्ट करो, जैसे आप हमारे
रेसिपी चैनल पे करते हो वो भी लाएंगे, वो बंद नहीं होगी भाई, वो तो अपना रेगुलर चलता रहेगा, रेसिपी बंद हो ही नहीं सकती। हाँ, तो बाकी इसमें भी सपोर्ट करो। तो भाई ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करना प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।